तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आप अपने गैलेक्सी M02 को हार्ड कीज के जरिए कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। एक ऑप्शन मिलता है आपको सेटिंग्स में जाकर अपने डिवाइस को फॉर्मेट करने का, फैक्ट्री डाटा रीसेट करने का। दूसरा, इन कीज के जरिए आप अपने डिवाइस को कैसे फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस को करना होगा पावर ऑफ। पावर ऑफ होने के बाद आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, दोनों बटन एक साथ प्रेस करने हैं और वेट करना है सैमसंग के लोगो आने का। सैमसंग गैलेक्सी M02 का लोगो आते ही आपको दोनों बटन रिलीज कर देने हैं और अब वेट करना है अपने डिवाइस के रिकवरी मोड में पहुंचने का। और अभी आप देख सकते हो कि गैलेक्सी M02 रिकवरी मोड में पहुंच चुका है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो होते हैं और यहाँ पर आपका टच वर्क नहीं करेगा। वॉल्यूम बटन से ही आप कर्सर को ऊपर नीचे कर सकते हो और पावर बटन से आप कर सकते हो इसे सेलेक्ट। तो सबसे पहले आपको अपने कर्सर को लाना है फैक्ट्री डाटा रीसेट पर, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पर, और चौथे नंबर पर ये है। इसके बाद पावर बटन से आप इसे कर देंगे सेलेक्ट। यहाँ पर आपको मिलते हैं दो ऑप्शन, कैंसिल और फैक्ट्री डाटा रीसेट का। तो फैक्ट्री डाटा रीसेट पर अपने कर्सर को फिर से लाना है वॉल्यूम डाउन की का यूज़ करके, और अभी यहाँ फिर से पावर बटन का यूज़ करके इसे कर देना है सेलेक्ट। और इसी सेलेक्ट के साथ आपका गैलेक्सी M02 पूरी तरह से हो चुका है फॉर्मेट। अभी रिकवरी मोड से बाहर आने के लिए रीबूट सिस्टम नाव को एक बार फिर से पावर बटन का यूज़ करके सेलेक्ट कर देना है। और रीबूट सिस्टम नाव पर क्लिक करने के बाद अभी जब आपका गैलेक्सी M02 ऑन होगा तो पूरी तरह से हो चुका होगा फॉर्मेट, और यहाँ पर आपको सारा सेटअप भी शुरू से करना होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।